राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जबरदस्त जीत के बाद आदिवासी समाज के साथ ही हर वर्ग में विशेष खुशी देखी जा रही है। पहली बार आदिवासी समाज से देश को पहली नागरिक मिल रही है। इस अवसर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की जीत यह संविधान की जीत है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को इस अवसर पर ढेर सारी बधाइयां देता हूं। भारत की नूतन राष्ट्रपति बनने पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारत के संविधान की यह जीत है, भारत के लोकतंत्र की यह जीत है। भारत के संविधान ने देश के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान पर बैठाने का जो रास्ता तैयार किया, उस रास्ते पर चलकर आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद के उस आसन पर बैठी है। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और एनडीए के दल के सभी सदस्यों को, जिन्होंने ये निर्णय किया कि उस पद पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बैठे। और आभार व्यक्त करता हूं सभी मतदाताओं का, जिन्होंने एक रिकॉर्ड जीत आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को दी। मैं उन्हें दिल से शुभकामनाएं देता हूं।